नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बहुत दिनों के बाद आज मैं आप लोगों के लिए कोई इस तरीके का वीडियो लेके आई हूँ, अपने डेली रूटीन से हटके। असल में काफ़ी टाइम से थी चीज़ें मेरे पास, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी। रीज़न आप सभी जानते हैं, और अब यह है कि वक्त है और दुख तकलीफ जो भी है उन सबको एक साइड में करते हुए अपना जो काम है वो भी करना है। दुख तकलीफ एक तरफ है, अपने जो अपना काम है वो एक तरफ है, तो उसी के ही क्रम में आगे आज मैं आप लोगों के साथ एक रिव्यू वीडियो शेयर करने वाली हूँ। रिव्यू इसलिए क्योंकि वो चीज़ मैंने इस्तेमाल की है खुद, और आई थिंक मैंने आप लोगों को एक वीडियो में वो दिखाया भी था और मैंने बोला भी था आप लोगों को कि वो चीज़ काफ़ी अच्छी है जब मैंने इस्तेमाल किया, क्योंकि बिना इस्तेमाल किए तो पता नहीं चलता कि चीज़ कैसी है कैसी नहीं है। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अगारो ब्रांड का एनिमल कास्ट आयरन सॉस पैन विथ लिड, और ये आता है रॉयल रेड कलर में और सच में बहुत खूबसूरत है। आप सभी जानते हैं कि मेरा जो मकान है नया बन रहा है, अब किचन बनवाएंगे नया तो उसमें अच्छी अच्छी सुंदर चीज़ें भी ज़रूर चाहिएंगी, और सुंदर के साथ साथ वो यूजफुल हो, आपके बजट में हो, तो इससे बेहतर और क्या ही हो सकता है। तो इसका इस्तेमाल मैं कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू भी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके ऊपर की साइड की, जो इसमें इसके बारे में दिया हुआ है। इसकी ये आता है 1 ईयर वारंटी के साथ, साथ ही साथ ये गैस और इंडक्शन कंपेटिबल है, यानी कि आप गैस और इंडक्शन दोनों पे इसको यूज कर सकते हैं, और लकीली मेरे पास इंडक्शन भी है और गैस। चलिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ ये प्रोडक्ट, और बहुत ही भारी है, बहुत ही मतलब सुंदर तो इतना है, इसका कलर मुझे इतना प्यारा लग रहा था ना। इसमें कलर आपको दो मिल जाते हैं, शायद दूसरा ब्लू कलर है और मैंने लिया था रेड, क्योंकि मैं अपने किचन को बिल्कुल ऑफ वाइट या क्रीमिश पर्ल, क्रीमिश जो होता है ना, पर्ल वाइट जो, वो लुक देने वाली हूँ, तो उसमें डार्क शेड थोड़ा अच्छा लुक देगी। तो यहाँ पे ये है मेरे पास एक रॉयल रेड कलर का सॉस पैन, जो कि आता है ढक्कन के साथ कुछ इस तरीके से। तो इसका इस्तेमाल मैंने किया था हलवा बनाने के लिए। तो ये देखिए, मोस्टली आपने देखा होगा कि जो कास्ट आयरन के बर्तन हैं वो आते हैं ब्लैक कलर में ही, मोस्टली आते हैं, वो है मेरे पास भी, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगारो ने क्या किया है कि इसी चीज़ को हेल्दी होने के साथ साथ, बजट फ्रेंडली होने के साथ साथ थोड़ा सा एक न्यू लुक देने की कोशिश की है, जिससे कि वो सुंदर लगे और बनाते हुए अच्छा है ना, कि मतलब जब सभी के साथ होता है कि जब आप खाना बनाते हैं अगर वो बर्तन अच्छा लग रहा है या वो चीज़ अच्छी लग रही है तो बनाते हुए ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो इसमें मैंने बनाया था सूजी का हलवा, बाकी आप इसमें मल्टीपल चीज़ें बना सकते हैं, अपनी सब्जी, दही, रायता, कुछ भी बनाना चाहते हैं, चाय, दूध, कुछ भी। काफ़ी हैवी लुक में यह आता है, और इसका जो लिड है ये भी काफ़ी हैवी है, आपको ऊपर होल्ड नोब के साथ ही मिल जाता है, यानी कि इसको पकड़ने के लिए इजी होता है। ये आपको मिलती है SS में, यानी कि स्टेनलेस स्टील में, और ये देखिए इसके ऊपर भी डिजाइनिंग इन्होंने काफ़ी अच्छी दी हुई है। तो जैसे जैसे मैंने इसका यूज किया है वो भी मैं साइड में लगा के आपको दिखाती रहूंगी। और ये है, तो जैसे मैंने बताया कि कास्ट आयरन के बर्तन हमेशा मोस्टली ब्लैक कलर में होते हैं, लेकिन इन्होंने इनको एक नया लुक दिया है, नया डिजाइन दिया है, ताकि आपको कास्ट आयरन की जो क्वालिटीज हैं उनके साथ साथ आपको एक अच्छा लुक भी मिले। ये इन्होंने कलरिंग अगर इस पे की है, ये कोटिंग की है, तो ये कोई भी हार्मफुल कोटिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई आप इसमें खाना बनाए तो ये आपको नुकसान देगा कुछ भी या कैसे भी, क्योंकि आजकल ज़्यादातर बर्तनों पे जो आती है वो एक हार्मफुल कोटिंग होती है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए कितनी नुकसानदायक है ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो। अगर वो बर्तनों के लिए अपने मतलब हर प्रोडक्ट के लिए काफ़ी अच्छा करते हैं, तो यहाँ पे आपको होल्ड करने के लिए ये मिल जाती है। सबसे मेन बात है कि बहुत मतलब हैवी बॉटम के साथ आपको ये मिलता है। ज़्यादातर बर्तनों में आपने देखा होगा कि ऊपर की साइड से हैवी मिल जाते हैं, बॉटम हल्की मिलती है, या बॉटम भारी हो जाती है, ऊपर की साइड से हल्का मिल जाता है, लेकिन कास्ट आयरन के जो बर्तन होते हैं वो इवन होते हैं पूरा ही। अगर वो यहाँ से इतने थिक हैं तो बॉटम भी उतनी ही थिक आपको उनकी मिलेगी या उससे ज़्यादा ही मिल जाएगी। हैवी बॉटम के फायदे ये होते हैं कि खाना इनमें आराम से पकता है, जलता नहीं है, और साथ ही साथ कास्ट आयरन के जो फायदे हैं वो तो आप सभी ही जानते हैं। और सीजनिंग, प्री सीजनिंग किए हुए ही आते हैं, नहीं तो कास्ट आयरन के जो बर्तन होते हैं उनको पहले ऑयलिंग करनी होती है, सीजनिंग करनी होती है उनकी, लेकिन इनके साथ ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से इनको होल्ड कर सकते हैं। सबसे अच्छा मुझे इसका लुक देखने में लग रहा है,
और मैंने यूज किया है इसको, तो इसके अंदर मतलब ये नहीं है कि इसमें किसी सब्जी के या किसी चीज़ के दाग लग गए हैं या उतर नहीं रहे हैं। तो यूज करने के बाद ये कुछ इस तरीके से है, इसकी शाइन में कोई कमी नहीं आई है, इसकी पॉलिश कहीं से ख़राब नहीं हुई है, इसमें कोई कलर नहीं चढ़ा है, कुछ भी इसमें नहीं हुआ है। और आप साइड में देख भी सकते हैं कि मैंने इसमें जो हलवा बनाया कितने आराम से बन गया था और वो चिपका भी नहीं। कई बार होता है ना कि बर्तन को लग जाता है, वो वाली चीज़ भी बिल्कुल नहीं थी। तो कुछ इस तरीके का हमारा अगारो का ये एनिमल कास्ट आयरन सॉस पैन विद लिड है। ये हो गया है सॉस पैन और ये हो गया है इसका लेड। आप इसमें केक वगैरह भी बना सकते हैं क्योंकि हैवी बॉटम है, बहुत ही ईजिली धीरे धीरे केक कुक होएगा, बेक होएगा, तो वो बहुत अच्छे से पकेगा। और बाकी आपको अगर इसमें कुछ और यूज करना है था आप कर सकते हैं, तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्लीज अपने लिए ज़रूर परचेज कीजिए, अपनी हेल्थ के लिए, क्योंकि कास्ट आयरन हेल्थ के लिए एक बेटर ऑप्शन है। और आज के टाइम में ज़्यादातर जो लोग यूज कर रहे हैं वो कास्ट आयरन ही अपनी चीज़ खाने के लिए यूज करते हैं। तो जी खैर, ये है जो इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है या फिर कमेंट पिन में मैं उसको कर दूंगी, और इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो सारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बेहतरीन और अच्छी चीज़ें लेकर आऊँ ताकि आप लोग अगर उन्हें यूज करें तो कम से कम आपको ये ना हो कि हमें कोई ख़राब चीज़ मिल गई है या ख़राब प्रोडक्ट मिल गया है। कलर इसमें शायद आपको एक रॉयल ब्लू कलर मिल सकता है, मुझे कंफर्म नहीं है उस चीज़ का, लेकिन अगर आप लिंक पे क्लिक करते हैं और अपने लिए ऑर्डर करते हैं या कैसे भी, तो वहाँ पे आपको कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे। बाकी इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप भी इस तरीके के आइटम्स अपने किचन में रखिए और यकीन मानिए बहुत सुंदर ये लगते हैं देख के, रखे हुए पता ही नहीं चलता कि ये बर्तन है या डेकोरेटिव आइटम है। तो खैर चलिए जी, अब इस वीडियो को मैं रोकती हूँ यहीं पे ही। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कर लें। मिलती हूँ जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।